बिहार के बाढ़ के हिस्ट्री सीटर के मर्डर मामले में बाहुबली अनंत सिंह का नाम आया है। इस मामले में पटना के बेउर जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह का नाम आने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। जेल में बैठकर साजिश रचने का आरोप उनके ऊपर लगा है। इसके बाद से अपने विधायक के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल आ गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है, अनंत सिंह को गलत केस में सरकार जानबूझकर जेल में रखी हुई है। एक दूसरे केस में हत्या करने की साजिश में उन पर फिर से मुकदमा कर दिया गया है, जबकि एफआईआर में उनका नाम नहीं था, साजिशकर्ता में उनका नाम दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा, अनंत सिंह को न्याय नहीं मिला तो आरजेडी सड़क पर उतरेगी। भाई वीरेंद्र ने कहा, अनंत सिंह के पीछे सरकार पड़ी हुई है और उन्हें जेल से निकलने नहीं देना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि अनंत सिंह को न्याय मिले। मैं मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच सरकार करे। पहले से केस के बारे में क्या है मैं नहीं जानता। इधर के दो मुकदमों में वे दोषी नहीं हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया था, इसलिए उनको सजा दी जा रही है। जेडीयू के बड़े नेता इसमें लगे हुए हैं कि अनंत सिंह को निकलने नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सरकार उच्च स्तरीय जांच करे। अनंत सिंह को सरकार प्रताड़ित नहीं करे। अगर इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता रहेगा तो राजद सड़क पर उतरेगी और सरकार का विरोध करेगी। इस सरकार में अपराध काफी बढ़ गया है, रोज हत्या हो रही है। आरसीपी टैक्स लेकर पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। इस तरह से पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो अपराध बढ़ेगी ही। बता दें कि बाढ़ के भदौर थाना के बकमा गांव में शनिवार को कुख्यात रघुनाथ का मर्डर हुआ था। इसी मामले में पीड़ित ने ही अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस मामले में बुधवार को पटना के आईजी संजय सिंह ने कहा, घटना घटी है, अभी उसका अनुसंधान होने दीजिए। हम अभी ही किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। जांच और सबूतों के आधार पर केस का रिव्यू होगा, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी।